एवरीवन, आज हम अपनी आर्ट क्लास में करने जा रहे हैं फोक आर्ट। ये हमने देखिए फोक के साथ एक ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बनाए हैं, एक पोर्ट्रेट बनाया है सुंदर सा। तो चलिए आइए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फोक आर्ट। पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वाइट पेंट, पोस्टर कलर है ये, और साथ में एक ले लेंगे फोक। फोक को हम इस तरह से पेंट में डिप करेंगे। इस तरह से डिप करने के बाद हम इसको यहाँ पे शीट पे सर्कल एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। हमें इसको पूरा एक सर्कल की शेप में लाइंस ड्रॉ करती हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको सर्कुलर में लेके जाना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक पहले सर्कल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल के साथ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपका सर्कल अच्छे से बन जाए, टेढ़ा ना हो। तो इस तरह से आप इसको फोक को पेंट में डिप करते जाइए और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाइए। जब हमारा एक बार पूरा सर्कल बन जाएगा तो फिर हमने इसको थोड़ा सा गैप में थोड़ा नीचे करके फिर दोबारा से सेम वही पैटर्न करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे स्पेस खाली है, हमें एक छोटा फ्लावर यहाँ पे भी बनाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इसके बाद व्हाइट कलर का ये डैंड लाइन बनाने के बाद हम लेंगे रेड कलर। सेम इसी तरह से रेड कलर लेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से हम इसके लिड में डाल लेंगे। ये देखिए हमने इसमें इसकी बॉटल के कैप में रेड कलर ले लिया। अब फिर से वैसे ही हम फोक को इसमें रेड कलर में डिप करेंगे। देखिए इस तरह से किया मैंने डिप। अब इसमें भी सेम वैसे ही हम इसके सेंटर्स में लाइन बनाएंगे। हो गया सेंटर से। अब ये छोटे वाले फ्लावर को भी इसी तरह से करेंगे। देखिए इसका भी हो गया। अब इसके बाद हम फोक को क्लीन कर लेंगे और फिर से व्हाइट कलर लेंगे। अब व्हाइट कलर लेके हम फोक के हम इस तरह से फोक को कलर लगा लेंगे, एक साइड पे कॉर्नर पे लेंगे ज्यादा, और डैंड लाइन के इस तरह से फ्लावर के सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये
अब इसके बाद हम इसी अपने फोक के साथ इसको कलर में डिप करके यहाँ पे रैंडमली इस तरह से डॉट्स बनाएंगे। कार्ड की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस एक्टिविटी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।